आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार से लौकी के कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लौकी ले लिया है। लौकी एकदम ताज़ी ताज़ी लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डॉट दिख रहा है, पर ये पत्तों का दाग है। बट लौकी जो है ना वो ताज़ी है, तो इसे क्या करेंगे, छील लेंगे और छील करके कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो ये हमने लौकी के जो पानी है ना वो अच्छे से निचोड़ लिए हैं। कद्दूकस किए हुए लौकी में डालेंगे एक प्याज। तो प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। दो हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च को भी बारीक कट कर लेंगे। और तीन से चार लहसुन की कली है, इसे भी बारीक कट कर लेंगे। आधी चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। अब इसमें डालेंगे गोटा जीरा। इसे कोफ्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे हमने एक कप से थोड़ा सा कम बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इनको अच्छे से मसल लेंगे ताकि मसाले और लौकी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया है तो फटाफट से इसे मिक्स करेंगे और इसका गोल गोल सा बॉल्स बना लेंगे। या आपको जो शेप में पसंद हो कोफ्ते उसी शेप में बना कर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गोल गोल सा बॉल्स बना लिया है और इसे गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। तो तेल जो है ना हमने पहले से ही गर्म करके रख लिया था ताकि जब हम नमक डालें उसी साथ फटाफट से हम इसमें बॉल्स बना कर डालें। नमक डालने के बाद अगर हम लौकी को छोड़ देंगे ऐसे ही ना तो लौकी बहुत सारा पानी छोड़ देगा। तो हमें नमक डालने के बाद फटाफट से बबल्स बना करके और इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लौकी के जो बबल्स हैं ना एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हम इन्हें दूसरे साइड से फ्राई कर देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। इस रेसिपी में मैंने बहुत सारे मसाले जो है वो स्किप कर दिए हैं, फिर भी बहुत टेस्टी बना है ये लौकी का कोफ्ता। और बचे हुए तेल में डालेंगे दो प्याज। प्याज को हमने रफली ही चॉप किया है क्योंकि प्याज को हमें पीसना है। और इसी के साथ डालेंगे चार हरी मिर्च। तो इसे हम तोड़ करके डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 15 से 20 लहसुन की कली। साथ ही इसमें डालेंगे दो टमाटर। तो टमाटर को भी हमने बस दो ही पार्ट में किया है। और अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया हमने। एक इंच टुकड़ा दालचीनी है, चार लौंग है, दो छोटी इलायची है, चाहें तो बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया है। और इन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही मसाले भी डाल देंगे। आधी चम्मच लेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, एक चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच लेंगे जीरे का पाउडर, चिटकी भर लेंगे काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आधी चम्मच लेंगे काली मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर और एक चम्मच भर के लेंगे चिकन मसाला। ज़रा सा पानी डालेंगे और इसका एक महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और अब इन्हें साइड करेंगे। दोबारा से कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और चिटकी भर जीरा डालेंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे और जो मसालों का पेस्ट हमने रेडी किया था ना उन मसालों को हम डाल देंगे। और अब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। तो मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से जो तेल है ना वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले जो है ना वो भून गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये जो कप में हमने पानी रखा है ना ये लौकी का पानी है। लौकी से जो पानी निकला था ना उसे हमने फेंका नहीं था, बल्कि इसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़रा सा इसमें सादा पानी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जिस हिसाब से नमक खाते हैं, अच्छे से चला लेंगे और ढक करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
अब आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है ना वो बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें फटाफट से कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो में रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। कैसा बना है ज़रूर बताइएगा और एक बार आप अपने घर पे इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।